ऐसे ऐसे एंड जब मैं इसको यार देख रहे ना यही है आप देख सकते हैं लेनोवो के एग्जीक्यूटिव हैं मेरे सामने और मेरा जो लैपटॉप का हिंज है वो शायद थोड़ा सा हिल गया है जिसकी वजह से इन्होंने इसको एक्सीडेंटल डैमेज के इंश्योरेंस में कवर करने के लिए मुझे सजेस्ट किया। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये फटाफट से इसको ठीक कर दें। अभी ये एसेस कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं एंड उसके बाद ये इसका एक पार्ट भी लेके आए हैं जिससे वो रिप्लेस करके इसको ठीक कर देंगे। क्या नाम है सर आपका? चिंतामणि। तो चिंतामणि जी आ गए हैं और हमको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए लैपटॉप, मैंने ये जून में लैपटॉप परचेज किया था, जून 2020 में, और इसका ये हिंज एक ढीला हो गया है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस लैपटॉप की बहुत अच्छी है। ये देखिए ये जो पार्ट इन्होंने रिप्लेस करने वाले हैं ये इसको अब अनबॉक्स कर रहे हैं। यस तो ये भी सील्ड लेनोवो फैक्ट्री से आया है आपके पास, राइट? यस सर। और आपने इसको खोला वोला कुछ नहीं है? आप पूरा ये पूरा का पूरा पीस रिप्लेस हो जाएगा। ये हिंज है, राइट? यस यस हिंजेस। ये हिंजेस हैं जो समहाउ हम लोगों ने शायद ढंग से लैपटॉप खोला नहीं या यूज़ नहीं किया, ऐसा कुछ है। हाँ तो हमने शायद लैपटॉप को एक तरफ से खोला या एक हाथ से खोलने की कोशिश करी जिस वजह से इसके हिंजेस जो हैं वो ठीक से सही नहीं चले और हमको ये रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ी। अभी मुझे कुछ चार्जेस देने हैं आपको इस सर्विस के लिए? नहीं सर। आपके आने के लिए कोई चार्जेस वगैरह, सर्विस चार्ज कुछ नहीं? फ्री रिप्लेसमेंट। फ्री रिप्लेसमेंट, आपके आने का भी कोई फीस वगैरह कुछ नहीं, राइट? नहीं सर। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर आपका भी कुछ नए डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो इंश्योरेंस के दौरान आपको कोई भी मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितने छोटे छोटे आप देख सकते हैं स्क्रू लैपटॉप में से निकले जो, और ये वाला पार्ट दिखाता हूँ आपको। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी चीज़ को ठीक करने के लिए पूरा लैपटॉप खोलना पड़ा और ये अब सारी चीज़ें मुझे इनिशियली लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा काम होगा इसमें, पर अब जैसे जैसे ये खोलते जा रहे हैं मुझे लग रहा था कि वो हिंजेस मुझे ठीक कराने चाहिए थे कि नहीं। अब देखते हैं इनका काम कैसा है एंड होपफुली कुछ इशू नहीं आना चाहिए। ये वाला शायद हिंज खराब हो गया है, अब ये नया हिंज लगा रहे हैं।
देखिए इन्होंने लगा दिया है हिंज, जो हमारा ख़राब हो गया था उसको रिप्लेस कर दिया है इन्होंने। अब ये दोबारा से सारे पैनल्स को फिक्स कर रहे हैं, राइट हा? तो सर्विस के दौरान अगर कुछ चीज़ डैमेज हो जाती है तो उसका मिलता है सर, वो आप रिप्लेसमेंट करते हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आता है क्या, मतलब एम्प्लॉय के ऊपर, लेनोवो प्रोडक्ट के ऊपर? आता है, अगर हम ठीक तरह से काम नहीं करते, तोड़ फोड़ते तो बिल हमारे ऊपर, आपके ऊपर आता है बिल? इसके लिए ट्रेनिंग होता है कि कैसे खोलना है, कैसे ठीक से काम करना है, वो ट्रेनिंग लेके ही आना पड़ता है। अगर एक्सीडेंट कुछ होता भी है। मान लेते हैं, अगर मान लीजिए आपसे अभी सही करते करते ये स्क्रीन गिर जाती है और क्रैक हो जाती है, तो वो आपके उसमें से कटेंगे पैसे? ऐसे केसेस हो गए, कभी कभी क्या होता है इंजीनियर को कुछ अगर एक्सपीरियंस नहीं होता है, पहली बार करता है, तो हो सकता है डैमेज भी होता है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, मतलब जैसे अब डिवाइसेस तो बहुत महंगे महंगे रहते हैं, कुछ डैमेज होता है तो कुछ ये नहीं कर सकते, वो हमको ही पे करना पड़ेगा। तो आपका कोई इंश्योरेंस नहीं है ऐसा कंपनी नहीं, में है? परसेंटेज क्या रहती है, जैसे मान लीजिए 10 डिवाइसेस आए आपके पास, 100 में से 1% चांसेस रहते हैं कि आप डिवाइस को खराब हो सकता है, टूट सकता है, एक्सीडेंटल, वो भी मतलब उसमें जो आप ठीक कर रहे हैं उसमें भी एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है। दोस्तों आपने देखा, जैसे बताया चिंतामणि जी ने, कि इनके ऊपर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और कंपनी इनको लायबल ठहराती है अगर ये किसी डिवाइस को एक्सीडेंटली या नोइंगली अननोइंगली उसको संभाल नहीं पाते हैं। तो इनका काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एक तरह से। आप देखेंगे फेलियर के चांसेस बहुत कम हैं। इन्होंने हिंज को ठीक कर दिया है, आप देख सकते हैं, ये दिखा रहे हैं कि स्क्रीन पे ऐसा सच कुछ डैमेज नहीं है। एंड ये देखिए फ्रेंड्स, आप भी चेक कर सकते हैं, और हिंजेस इन्होंने अच्छे से लगा दिए हैं। अब ये कीबोर्ड को सेट कर रहे हैं। देखिए जैसा इन्होंने कहा था, 20 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने अपने काम को एटलीस्ट जो पार्ट है उसको रिप्लेस करके नया पार्ट लगा दिया है, और अब ये इसको वापस से असेंबल कर रहे हैं पूरे डिवाइस को, राइट? यस। इसमें रैम हम कहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं? इसके नीचे, ये जो कवर है, अच्छा, इसके नीचे रैम का स्लॉट है, अच्छा, इस पे हम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपने आप मत करिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने सारे स्क्रूज हैं, और ये आप एक्सपर्ट के थ्रू ही करवाएं। मैं तो ये कहूँगा आपका मतलब वारंटी में भी नहीं है तो भी आप लेनोवो सर्विस सेंटर में ही ठीक कराएं, क्योंकि लोकल शॉप्स में इतने सारे एक्सेसरीज या उनके पास टूल्स नहीं होते और उनकी कोई लायबिलिटी भी नहीं होती। जैसा इन्होंने बताया कि अगर डिवाइस आपका ठीक करते टाइम कुछ होता है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी ये लोग लेते हैं, और आपको जो आपका डिवाइस था वैसा एक हर चीज़ उसको ठीक करके दी जाएगी, अगर सही करते टाइम कोई भी चीज़ डैमेज या डिफेक्ट होती है। तो इसलिए लोकल आप उसमें मत जाइए, आप ऑथराइज सर्विस सेंटर्स पे ही जाइए, इनकी पूरी ट्रेनिंग होती है। जैसा इन्होंने बताया हर एक मॉडल को कैसे खोला जाता है, कैसे ठीक किया जाता है। मैं इसलिए ऑथराइज सर्विस सेंटर्स के ऊपर आपको प्रेशर डाल रहा हूँ फ्रेंड्स, कि मेरे साथ एक इंस्टेंस हुआ था जहाँ मैंने अपना आईपैड मिनी जो स्क्रीन थी उसको डैमेज हो गई थी वो एक्सीडेंटली, और जब मैंने उसको लोकली ठीक कराया तो वो उतना अच्छे से ठीक हो नहीं पाया।
मैं इसको यहीं फिनिश करता हूँ, बट आप ये देखिए कि किस तरीके से इन्होंने अभी टेस्टिंग करी। आप एक बार और चेक करके दिखाएंगे यूज़र्स को प्लीज़। ये देखिए जो पहले इशू था हमारा वो अब नहीं है पूरा का पूरा। ये देखिए अब पूरा। तो आप करेक्ट तरीका बताइए कैसे लैपटॉप को खोलना चाहिए ये सेंटर पे बीच में से। पकड़ना है, यहाँ पे एक हाथ से नीचे और दूसरा हाथ ऊपर, पूरा ऐसे ही खोलना है, कॉर्नर पे नहीं करना कॉर्नर से नहीं करना है, सेंटर से। तो इसलिए एक हिंज पे प्रॉब्लम नहीं आएगी और दोनों हिंजेस पे आपका प्रेशर बराबर जाएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने आईपैड मिनी की स्टोरी बता रहा था। सो मैंने उसको लोकल एक शॉप थी उस पे दिया, उन्होंने उसको रिप्लेस भी किया उस प्रोडक्ट पे। जो भी गम लगाई थी वो गम से वो स्क्रीन बार बार निकल जा रही थी और मैंने काफ़ी पैसे भी खर्च कर दिए और मुझे सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिला। बाद में मुझे वो प्रोडक्ट सेकेंड हैंड में बेचना पड़ा। तो इसलिए आप हमेशा ऑथराइज डीलर्स के पास ही जाइए अपने प्रोडक्ट को लेके, और निश्चिंत रूप से आप बिना किसी हैसल के आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लैपटॉप स्टार्ट है, आप इसको एक बार लिड को क्लोज करके दिखाइए प्लीज। मैं जिस जो हमारी प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये एकदम नया इन्होंने हिंज लगाया है। तो ये यही कह रहे हैं कि आप बीच में से इसको ओपन कीजिए जब भी आपको ओपन करना है। सेंटर में जगह भी दी हुई है, जहाँ आपका कैमरा है आप वहाँ से पकड़ के इसको ओपन कीजिए। सो फ्रेंड्स, हमारा लैपटॉप ठीक हो चुका है। मैंने इनसे और भी क्वेरीज पूछी लैपटॉप को लेके, कैसे लैपटॉप को आप हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं, वो भी इन्होंने खूब अच्छे से बताई हैं। और देखिए अभी अपना इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं जिसमें मुझे कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि लैपटॉप ठीक हो गया, और उससे अच्छी बात यह है कि मुझे कुछ भी पेमेंट करना नहीं पड़ा। तो प्लीज़ आप इंश्योरेंस करा के रखिए अपने डिवाइसेस का, जो भी आपके 40-50,000 के ऊपर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और अगर कुछ ख़राबी होती है तो ऑथराइज डीलर्स पे ही ठीक कराइए प्लीज़।